शुक्रगुजार जो मेरे जैसे जामीर को आपके वफास के दरमियान में लफकुशाई करने के मौका दिया। मैं मुफ्ती साहब का भी शुक्रगुजार हूँ और आपका भी, आप सबका भी जो शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आपकी बरकत से, अल्लाह आपके जो सीने मुबारक, सीने में जो कलाम मुबारक है उसकी बरकत से अल्लाह मेरी मगफिरत फरमाए, मेरे पूरे घराने की मगफिरत फरमाए। अल्लाह मेरे पूरे घराने को आप हुफाज में शुमार फरमाए। दुआ है आमीन के लिए। एक जरूरी बात ये है, देखो आप सबको तो मालूम है कितनों का दौर है, इसमें तीन चीज की हमें जो है हिफाजत करना, बड़े बड़े अल्लाह वाले इस वक्त बोल रहे हैं। एक तो जो है रुजू इल्लाह है, माशाल्लाह आप तो सब हैं कि मैं सबक अपना पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे जैसा जाए आपके सामने बड़ी बड़ी बातें, अल्लाह माफ करे। मैं अपने वास्ते कह रहा हूँ, सबसे पहले फितनों का दौर है, सबसे पहली बात रुजू इल्लाह है और दूसरी बात जो है आमाल की हिफाजत है। फितनों का दौर है, देखो आज ईमान बचाना बहुत मुश्किल है, अल्लाह के यहाँ खूब रो रो कर जो है ईमान की हिफाजत के वास्ते मांगना है। उम्मत का बड़ा मजमा, नौजवानों का बड़ा मजमा जो है आज जो है नशे में तरह तरह की हालतों में मुब्तिला है। एक तो रुजू इल्लाह है और दूसरा जो है आमान की हिफाजत है और तीसरा जो है अपने आप को फिटनेस रखना है, हक की आवाज़ उठाना है, जुल्म पर बर्दाश्त नहीं करना है, यानी आवाज़ हक की उठाना है। तीसरा क्या है, फिटनेस रखना है, अपने आप को मजबूत रखना है दीन के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, हमारी कौम के लिए, मिली खिदमात के लिए। आप जो शोबे में हैं ये करते हुए, ये जिम्मेदारियां निभाते हुए कुछ तो हम मिल्लत के लिए कुछ तो वक्त निकालना है। हालात बहुत ये हैं, देखो आज पूरे तकरीबन 80% नौजवान जो है टारगेट में चले गए, 80% नौजवान, 70-80% नौजवान जो है अपनी जवानियों को बर्बाद कर चुके हैं, ना वो इल्म के हैं, ना वो घमर के हैं, ना अपने माँ बाप के हैं। 80% नौजवान चले गए, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, कुछ तो जो है उनके लिए जो है आप क्या करना है, एक तरतीब बना रहे, सब जो तरतीब बना रहे, नौजवान से दोस्ती करना है, उनका हमें नहीं लेना है, सबसे रब्ता रखना है, मस्जिदों से जोड़ना है, उलमा से जोड़ना है, मशाइख से जोड़ना है, जो भी दीनी मेहनतें हैं इनसे जोड़ना है ताकि उनकी आमाल, ईमान और आमाल की हिफाजत हो जाए। ये तो आप लोगों को करना है। इसका आसान तरीका, मोहल्ले में क्रिकेट टीम बना ले, इनको ले ले, थोड़ा वक्त दिए हमें हफ्ते में एक बार कम से कम हमारे से रब्ता होने के लिए, हमारे से रब्ता होने के लिए फुटबॉल टीम बना ले, इसमें थोड़ा वक्त हमें देता है हमारे से रब्ते के लिए। अगर हमारे से जो है वो क्लोज हो गए, आपस में मोहब्बतें हो गई, तो इनको मस्जिद तक या मशाइख तक या खानखा तक जो भी मेहनत दीनी मेहनत है, कभी किसी को अल्लाह के रास्ते में जमात में भेज दिए, मस्जिद से जोड़ दिए, किसी मोहल्ले के आलिम से, बड़े आलिम से जोड़ दिए, ये उलमा जो है ये आप तमाम की जो जिम्मेदारी है। आप एक एक फर्द जो है 25 को 20 को दोस्ती रखकर, चाय पिलाकर, बातचीत करकर, अगर एक एक को मस्जिद से, उलमा से, मशाइख से, खानखा से, यानी जो भी दीनी मेहनत जीनी जो जिन्हें उनकी ईमान की आमाल की हिफाजत हो सके, ये लाइन में लगा देंगे बहुत फायदा है। और आप भी जो है फिटनेस में थोड़ा वक्त जो है 24 घंटों में थोड़ा वक्त निकाल कर कुछ तो हमें करना है, कुछ तो करना है। बहुत से फंड हैं, जितने भी जो है मेहनतें कुर्बानियाँ दी, पूरे उलमा ही लेकर है, उलमा छह मैदान में आगे रहे, इल्म में भी, मुजाहदे में भी, कुर्बानियों में भी, आगे बढ़ने में भी। आप सब माशाल्लाह उलमा का जो है मजमा है उपवास का, आप भी जो है नियत करना है जो है हालात जो है बहुत ये है, फिटनेस रहना, एक तो अल्लाह के रुजू इल्लाह, दूसरा आमाल की हिफाजत और तीसरा जो है अपने आप को मजबूत रखना है। इंशाल्लाह।